पे चैप्टर नजर आ रहा है? यस मैम, दिखाई दे रहा है। अच्छा, अभी कोई और ऐड हुआ है क्या? अभी कौन ऐड हुआ है? ओके, ठीक है। आपको मेरी आवाज आ रही है अनुष्का? यस मैम। हेलो। ओके, सो गुड मॉर्निंग। और जो है आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, उसमें हमने जो है मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज जो है हमें ये जो है टॉपिक स्टार्ट करना है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो आपके आदिवासीज हैं, आदिवासीज कौन होते हैं, मार्जिनलाइजेशन वर्ड का मतलब आपको बताया था, और किस तरह से जो आदिवासीज हैं उनको एक मार्जिनल जो है मार्जिन उनको मार्जिनल ग्रुप कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, और उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की है, और मतलब जो भी है उनका जो ट्रेडिशन एंड कल्चर है वो किस तरह से जो है दिन प्रतिदिन वो कम होता जा रहा है। तो अब हम जो मार्जिनलाइजेशन वर्ड है जो मैंने कल आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसको हम आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं माइनॉरिटीज के बारे में। क्योंकि हमारे इंडिया में जो दो इम्पोर्टेंट मार्जिनल ग्रुप्स हैं, एक है आपका आदिवासीज का जिसको हम ट्राइब्स कहते हैं, और दूसरा है हमारा रिलीजियस ग्रुप्स। आपको पता है कि इंडिया में जो है सबसे बड़ा धर्म जो है जो मैक्सिमम लोग जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं वो है हिंदुज्म। सो अप्रोक्सीमेटली 83% ऑफ इंडियन पीपल दे फॉलो हिंदू रिलीजन, एंड द रेस्ट ऑफ द रिलीजन्स लाइक इस्लाम, देन सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ऑल दीज रिलीजन्स, क्रिश्चियनिटी, ऑल दीज रिलीजन्स आर माइनॉरिटी इन इंडिया। बट अमंग ऑल दीज माइनॉरिटी ग्रुप्स, माइनॉरिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? एक होता है मेजोरिटी ग्रुप, एक होता है माइनॉरिटी। तो नाम से ही आपको समझ में आएगा, मेजोरिटी मीन्स जिनकी संख्या भारत में ज्यादा है, और माइनॉरिटी वो ग्रुप्स होते हैं, वो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं जिनकी जिनको फॉलो करने वालों की संख्या भारत में कम है। सो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया में 83% लोग अगर हिंदुज्म फॉलो करते हैं तो हिंदुज्म इज ए मेजोरिटी ग्रुप, एंड ऑल अदर रिलीजन्स इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, दे आर माइनॉरिटी इन इंडिया, क्योंकि उनके उनके इस रिलीजन डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या भारत में कम है। तो क्योंकि आप जानते हो कि कहीं भी अगर जिनकी संख्या कम होती है तो उन्हें दबाने के लिए बहुत ज्यादा लोग होते हैं। मतलब जो मेजोरिटी ग्रुप है वो माइनॉरिटी ग्रुप को जो है सप्रेस कर सकता है डिफरेंट जो है तरीके से, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे सोशली हो। तो अब हमारे जितने भी माइनॉरिटी जो रिलीजन्स हैं उनमें से सबसे बड़ा जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो है इस्लाम, मुस्लिम रिलीजन। तो मुस्लिम्स को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या जो है वो भारत में अदर जो रिलीजन से हमारे माइनॉरिटी ग्रुप्स उनसे अधिक है। तो अगर 83% लोग जो हमारे हिंदू को फॉलो करते हैं तो 13% लोग जो है वो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो आगे चल के हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, नॉट ओनली मुस्लिम्स बट जो अदर भी ग्रुप्स हैं, यानी आदिवासीज हैं, उनको बचाने के लिए, उनको सेफगार्ड या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे संविधान ने क्या क्या चीजें जो है वो कर रखी हैं। एक बार हम इसको रीड करते हैं। यू दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफगार्ड्स टू रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इज पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। हमने आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रखा है कि जो हमारे जितने भी जो भी भारतीय नागरिक है उनको मौलिक अधिकार मिला हुआ, फंडामेंटल राइट्स मिले हुए, जिसमें उनको अपने जो माइनॉरिटीज हैं जिनकी संख्या भारत में कम है उनको अपना धर्म बचाने का, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का पूरा पूरा जो है अधिकार दिया गया है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो आपको क्यों लगता है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको उनके राइट्स को सेफगार्ड करने की या प्रोटेक्ट करने की जरूरत है? आपको ऐसा क्यों लगता है? बहुत ऑब्वियस ही बात है। देखो, अगर आप जिसकी संख्या ज्यादा होती है वो कम जो है उनको फॉलो कम जिनकी संख्या होती है उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब उनको दबाने की कोशिश करते हैं। द माइनॉरिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज टू रिफर द कम्युनिटीज दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, मैं आपको यहां से बता रही हूँ। माइनॉरिटी किसे कहते हैं? अल्पसंख्यक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। तो ये अल्पसंख्यक मतलब कम होना, ये वो लोग हैं जिनकी नंबर जो है भारत में कम है। ठीक है, अब आदिवासीज भी कम है हमारे देश में, देन जो डिफरेंट रिलीजन है उनको फॉलो करने का वालों की भी संख्या भारत में कम है। बट ये जो चीजें इससे बहुत बढ़कर है, इट कम एनकम्पासेस इश्यूज ऑफ पावर, देन एक्सेस टू रिसोर्सेज, एंड हैज सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन ऑल्सो। ठीक है, तो मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि जो हमारे देश में जिनकी संख्या कम है वो माइनॉरिटी है, लेकिन उनसे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, इसीलिए हम माइनॉरिटीज के बारे में स्टडी करते हैं। लाइक ये जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं वो दे आर लेस पावरफुल,
उनके पास ज्यादा पावरफुल पावर नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दूसरा ग्रुप मेजोरिटी में, तो वो उनको दबा के रखने की कोशिश करता है, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो चाहे सोशल पावर हो, देन एक्सेस टू रिसोर्सेज। इसमें से ऐसे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं जिनकी संसाधन तक पहुंच बहुत ही कम है, मतलब उनके उनको फूड से लेके और जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, या तो वो कल्चरली एंड सोशली बैकवर्ड है। ठीक है, तो जितनी भी माइनॉरिटी ग्रुप्स है उसमें से हर आदमी के नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं माइनॉरिटीज में, आदिवासी हो चाहे डिफरेंट रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स हो, वो पावर जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं, एक्सेस टू रिसोर्सेज की प्रॉब्लम फेस करते हैं, सोशल एंड कल्चरल जो है प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। सिर्फ बैकवर्डनेस ही नहीं, लेकिन सोशल लाइफ में भी वो डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं। ठीक है, उसके बारे में लोग पढ़ेंगे आगे। अब ये सारी चीजें जो है हमें पता है, अगर मैं चलो आपको इन्फॉर्म बता भी देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई आपके क्लास में एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने वाले, या आप जैसे आप पहाड़ी लोग हैं तो पहाड़ी लैंग्वेज बोलने वाले या पहाड़ को बिलोंग करने वाले आपके क्लास में जो है 40 में से 35 बच्चे ऐसे हैं जो आपके पहाड़ी हैं। ठीक है, वहीं आपके जो है 3-4 बच्चे जो है आपके साउथ इंडिया के आ गए या फिर महाराष्ट्र के आ गए, है ना। तो आप लोग जो है पहाड़ी ग्रुप के लोग जो है वो क्या होंगे, मेजोरिटी में होंगे, और जो अदर उसको फॉलो करने वाले हैं वो माइनॉरिटी में होंगे। तो क्या पता आप जो है आपका बिहेवियर अच्छा भी हो सकता है, और क्या पता कुछ माइनॉरिटी में है तो आप उनको डोमिनेट करो कि भाई आपको पहाड़ी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, या वो साउथ इंडियन कुछ बोल रहे हैं, या उनका जो फूड हैबिट है या बोलने का तरीका है, वो जो हिंदी जिस तरह से जो है साउथ इंडियन लोग बोलते हैं मद्रासी जो है, वो तो उनका थोड़ा सा बहुत ही परफेक्ट नहीं होता है, तो आप उनका मजाक बना सकते हो, है ना। तो इस तरह की जो चीजें होती है कि माइनॉरिटी को मजाक बना रहे हैं, उनको जो है सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, मैं अपनी क्लास के हिसाब से बोल रही हूँ। लेकिन अगर हम उसे लार्ज स्केल पर देखें, ठीक है, तो ये जो चीज है ये और आगे बढ़ जाती है, इसका एक अलग ही लेवल होता है। क्योंकि बहुत बार होता है कि हम उनको जो है सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनका रिलीजन अलग है, उनके पहनावा अलग है, उनका खान पान अलग है। अगर हम मुस्लिम जो धर्म है, ये टॉपिक मैं आपका साथ ही साथ अगले टॉपिक से भी कवर कर दूंगी। ये देखिए ये मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन, पहले तो मैं ये देखती हूँ। तो मैं आपको बताती कि कोई किसी भी तरह से माइनॉरिटी ग्रुप को सप्रेस कर सकते हैं, तो इसके लिए जो है ये सारी दिक्कतें जो है माइनॉरिटी ग्रुप्स को फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर आप बहुत उसको प्रॉब्लम आप देख सकते हो कि आपको अपना रिलीजन फॉलो नहीं करने दिया जा रहा है क्योंकि आप कम माइनॉरिटी में हो, आपको आपकी लैंग्वेज नहीं बोलने दी जा रही है, आपको लोग पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि भाई अच्छा अगर आप यहाँ पे हो तो आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी, आप अपना जो है दूसरी लैंग्वेज नहीं बोल सकते, है ना, या फिर आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, आप ऐसा खाना पीना नहीं खा सकते, आप अपने फेस्टिवल्स नहीं मना सकते, है ना। तो ये सब चीजें बहुत ही हाई लेवल की होती है, और अगर ऐसा किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा, तो उसका जो है पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप्स। इन सच केसेस साइज कैन बी अ डिसएडवांटेज एंड लीड टू मार्जिनलाइजेशन ऑफ द रिलेटिवली स्मॉलर कम्युनिटीज। ये कह रहा है कि जो बड़ा ग्रुप है वो छोटे ग्रुप को क्या करता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है, उन्हें परेशान कर सकता है। दस सेफगार्ड्स आर नीडेड, इसीलिए सेफगार्ड की जरूरत है उनको बचाने की, प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कल्चरली डोमिनेटेड बाय द मेजॉरिटी। तो जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो माइनॉरिटी ग्रुप को सप्रेस ना कर सके, उसे दबा के ना रख पाए, इसलिए सेफगार्ड का होना जरूरी है। और इसीलिए हमारे यहाँ पे भारत में आपको पता है कि संविधान ने क्या दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स, सो टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेज दैट दे मे फेस। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट उसमें देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। फील इनसिक्योर अबाउट देयर लाइव्स असेट्स एंड वेलबींग। तो जो माइनॉरिटी ग्रुप होता है, कई बार आपको लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हम तो किसी को डोमिनेट नहीं करते, लेकिन अगर आप लार्ज स्केल पर देखें तो ऐसा हो सकता है कि वो जो आपका माइनॉरिटी ग्रुप है वो अपनी लाइफ को लेकर इनसिक्योर हो, वो परेशान हो, अपने घर बार को लेकर परेशान हो, या फिर अपनी सोशल वेलबींग को लेकर परेशान हो कि भाई हमारा तो इस देश में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे साथ जो है गलत जो है भेदभाव किया जाता है। This sense of insecurity may get accentuated if the relation between the minority and majority communities are fraught. इसमें कह रहे हैं कि minority group जो है बहुत बार डर के रहता है कि भाई majority जो है उसे दबा ना पाए, दबा ना दे कहीं, उसको exploit ना करे। लेकिन ये situation तब और भी खराब हो जाती है कि जब majority सच में जो है वो minority groups को दबा के रखना चाहते हैं और उनके बीच का जो relation होता है वो बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, अब जैसे हम अगर इंडिया की बात करें, मैं आपको दो एग्जांपल दे रही हूँ। इंडिया में क्या है कि हिंदूज मेजोरिटी में और बाकी जो रिलीजन है इसमें स्पेशली मुस्लिम्स मुस्लिम रिलीजन है वो माइनॉरिटी में। लेकिन आपने बहुत ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि जो हिंदू कम्युनिटी है वो मुस्लिम कम्युनिटी को डोमिनेट कर रही है या उन्हें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, हमारे देश के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी स्ट्रांग है कि भारत को उन्होंने सेकुलर देश कह रखा है, हमारे संविधान ने इंडिया को डिक्लेयर किया है एज अ सेकुलर स्टेट, और किसी भी तरह का जो है भेदभाव नहीं किया जाता है।
लेकिन अगर आप दूसरे देशों में जाओ, लाइक इस्लाम है आपका, पाकिस्तान है, वहां पे टोटली इस्लाम को ऑफिशियल रिलीजन बनाया गया है, और जो अदर रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग होते हैं उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव नहीं किया जाता है। तो वहां पे जो माइनॉरिटीज़ की सिचुएशन काफी वर्स है। सिमिलरली अगर आप ऐसे बहुत सारे देश जो रशिया से अलग हुए थे, वहां पे अगर आप देखेंगे जैसे जो ये कोसावो है, वहां पे दो एथनिक ग्रुप के लोग रहते थे। आपने शायद नाइन्थ में पढ़ा हो, नाइन्थ में या टेंथ में आपने पढ़ा हो, सॉरी आप तो अभी तो आप एट्थ में ही है। तो ये एक आपका टेंथ में दिया हुआ है कि कोसावो एक नाम का देश है जहाँ पे दो एथनिक ग्रुप के लोग रहते थे। तो जो मेजोरिटी ग्रुप था उसने क्या किया, पूरी तरह से जो है जो आपका माइनॉरिटी ग्रुप था उनको मार डाला, मतलब उस देश की आर्मी ने क्या किया, उनको खत्म कर डाला, है ना। तो इसीलिए मेजोरिटी, आप ये मत सोचिए कि बहुत कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कई कई देशों में मेजोरिटी और जो माइनॉरिटी का जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मेजोरिटी माइनॉरिटी को बिल्कुल दबा के रखता है, और अपना पड़ोसी देश ही आप देख लीजिए। लेकिन इंडिया में जो है ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान ने कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट किया है, इक्वलिटी को प्रमोट किया है, और जस्टिस को प्रमोट किया है। इसलिए हमारे देश में सब धर्म जो है वो बराबर है, और हमारे देश में सबको मौलिक अधिकार मिला हुआ है। ना मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन, अब मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे देश में मुस्लिम जो है सबसे बड़ी मेजोरिटी माइनॉरिटी ग्रुप है, इसलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, 13.4% है। अब आपको पता है कि जो मुस्लिम्स है हमारे यहाँ पे मार्जिन कम्युनिटी है, क्योंकि उनकी जो संख्या है वो भारत में कम है, ठीक है। और मुस्लिम्स के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम जो है उनकी सोशल इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। वो बहुत ही बैकवर्ड कम्युनिटी है हमारे देश में, और जो है बहुत पढ़े लिखे नहीं है, इनके पास जो है बहुत ज्यादा बेसिक एमिनिटीज भी नहीं है, ना इनका लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, और ना इनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इनका ज्यादा आप संख्या देखो। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो सरकारी रोजगार होते हैं, जॉब्स होती है, उनमें भी इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। तो हमारे यहाँ पे यहाँ पे एक चेयर्ड बाय जस्टिस रजिंदर सचार, एक सचार कमेटी बनाई गई, और ये रजिंदर सचार जो थे उनके लिए पूरा स्टडी करिए, बताइए कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो क्यों दूसरे जाति दूसरे धर्मों के लोगों से पिछड़े हुए हैं भारत में, ठीक है। तो हमारे अगर हम देखें तो हिंदू इंडिया में जो है सबसे पिछड़ा हुआ धर्म जो है वो मुस्लिम है, क्योंकि उसको फॉलो करने वाले लोग जो ज्यादातर अनपढ़ हैं, सरकारी नौकरियां नहीं करते हैं, है ना, तो और बहुत ज्यादा मतलब अलग ही जो है प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो इसके ऊपर पूरा बैठाया गया, तो फिर पूरा रिपोर्ट बनाई गई, और उसमें बताया गया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो काफी पिछड़ी हुई है, और उनको जो है मतलब पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, कि वो अपना इकोनॉमिक ले गई। और उसमें बताया गया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो काफी पिछड़ी हुई है, और उनको जो है मतलब पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, और ताकि वो अपना इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल जो सिचुएशन है उनको बेहतर कर पाए। तो पूरा मतलब जो है मतलब उनके लिए जो है सरकार ने पूरा प्रबंध किया कि भाई कैसे हम, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अनपढ़ होते हैं, स्पेशली जो लड़कियां होती हैं वो बहुत कम पढ़ी लिखी होती है मुस्लिम कल्चर में। इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन एक्सपीरियंस बाय मुस्लिम्स हैज अदर डायमेंशंस एज वेल, लाइक अदर माइनॉरिटीज मुस्लिम्स कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस आर समटाइम्स क्वाइट डिस्टिंक्ट। ये चीज आपने खुद फील की होगी कि वैसे तो इंडिया में ओवरऑल जो मुस्लिम्स है इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, मतलब थोड़े गरीब होते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ और भी चीजें जुड़ी हुई है, स्टीरियोटाइप्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आपको अगर आप क्रिश्चियनिटी को देख लो, या बुद्धिज्म को देख लो, जैनिज्म को देख लो, तो आपको इतना ज्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं पता चलेंगे, लेकिन क्योंकि वो हिंदू कल्चर से ही मतलब मिक्सचर है, अलग होते हैं, लेकिन आपको इतना ज्यादा वो पता नहीं चलेगा। लेकिन जो मुस्लिम्स होते हैं वो आपको बिल्कुल अलग लगेंगे, क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल उनका पहनने का तरीका जो है वो अलग होता है। आप देखोगे बहुत बहुत लंबी लंबी दाढ़ियां हैं, और फिर उनकी जो लेडीज होती है वो बुर्का पहनती है, है ना, और देन उनके बाद जो है उनका मतलब जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं, जो खाने पीने का, जैसे हिंदूज का खाने पीने का कल्चर अलग होता है, और उनका टोटली नॉन वेजिटेरियन कह लो आप, टोटली तो नहीं, नॉन वेजिटेरियन ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो जो चीजें हमारे कल्चर से बिल्कुल थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है, तो हम उनको थोड़ा सा हम मतलब हमारे दिमाग में अब आपको समझ सकते हो कि अगर मान लो कि कोई गलत चीज हुई है ना, जो टेररिज्म है, तो उससे हम क्या करते हैं, इन्हीं लोगों को जोड़ देते हैं। जबकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यही जो है वो, आपको कोई हिंदू भी टेररिस्ट हो सकता है, कोई और अदर रिलीजन भी के लोग भी टेररिस्ट हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने अपने दिमाग में स्टीरियोटाइप बना लिया है, हमने अपने दिमाग में ये बना लिया है कि अच्छा ये तो जो मुस्लिम्स होते हैं वो की बियर्ड्स लंबी होती है, बुर्का पहनते हैं, या तो उनका ऐसा कल्चर है, उनका खान पान ऐसा है ना, तो हमने उनको स्टीरियोटाइप कर लिया है। और कभी कभी तो मतलब ऐसा होता है कि वो बेचारे अपना जहाँ पे वो रहते हैं उस एरिया को छोड़कर वो कहीं और चले जाते हैं, मतलब वो दूसरे धर्म के साथ जल्दी असिमिलेट नहीं हो पाते। तो ये सारी जो है प्रॉब्लम्स जो है ये फेस करते हैं, और इसीलिए जो है हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने संविधान में जो है पूरी प्रोटेक्शन दी। आपने कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पढ़ा होगा, इन फंडामेंटल राइट, इसमें कहा गया है कि जो आपके
माइनॉरिटी का धर्म है, जैसे चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे मुस्लिम्स हो, उनको अपने लैंग्वेज को और रिलीजन को प्रोटेक्ट करने की पूरी आजादी दी जाएगी। वो अपना जैसे मदरसाज आप देखते हो हमारे इंडिया में, मदरसाज जो है पूरी इनको चलने की आजादी है। जो क्रिश्चियंस हैं वो अपना अलग जो है कॉलेजेस चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, तो उसको किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होता है। एंड देन हमारे यहाँ पे जो है सरकारी स्कूलों में जो है आपका मतलब किसी भी रिलीजन को फेवर करना या किसी भी रिलीजन से रिलेटेड प्रार्थना करना, ये सब जो है मना है। तो मतलब मुस्लिम कल जो है उसको माइनॉरिटी को काफी अधिकार दिए गए। आपने सुना होगा शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, तो इन सब तरह से मतलब जो इसी तरह से माइनॉरिटी जो ग्रुप्स हैं स्पेशली मुस्लिम जो है उनको बैकवर्ड स्टेटस से उठाकर ऊपर उठाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो है काफी ज्यादा काम किए हैं, ताकि सबको इक्वालिटी मिले और सब जो है मिलजुल कर रह पाए, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो जो है आपके मुस्लिम मार्जिनल रिलीजियस ग्रुप्स हो। तो ये चैप्टर जो है आपका यहाँ फिनिश होता है। आप इसके नोट्स बना लीजिएगा और गूगल क्लासरूम में आप इसको अपलोड कर लीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ कुछ बोल रहे हो आप? हेलो हेलो, हाँ कोई आप कुछ पूछना है अनुष्का? नो मैम, ओके ठीक है, चलो फिर थैंक यू। आज के लिए क्लास ये आपका चैप्टर फिनिश होता है और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं भेज दूंगी, नोट्स भेज दूंगी और आप जो है इसको अपने तरीके से बना के आप लोग कर लेंगे, ठीक है? और मैं इसका जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपके उस पर सेंड कर दूंगी। यस मैम, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।